थोड़ा मैं केसर के बारे में आप सर एक्सप्लेन करूंगा आपको कि मतलब केसर को किस एंगल से पहचान सकते हैं, ओरिजिनल कैसे पता चलेगा, डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा। एक पानी का 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं हाथ में, उसके बाद हम केसर के 2-3 पत्तियां हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये देख लीजिए, ये केसर है। पानी में अगर हम केसर डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर डालने से ही वो डूब गया तो वो इस वजह से डूबता है क्योंकि वो उसके ऊपर कलर जो कोटिंग किया होता है, कलर चढ़ाया हुआ जो होता है, उसका वजन होता है, वो उस वजह से डूब जाता है। बट रियल केसर का कोई चढ़ाया हुआ कलर नहीं होता है, वो नेचुरल होता है, वो बिल्कुल हल्की रहती है और ऊपर से फ्लोट करती रहती है। और केसर जो है वो अपना धीरे धीरे कलर जो है वो येलो आएगा। अगर इसने रेड कलर छोड़ा तो वो डुप्लीकेट है, क्योंकि केसर की एक खासियत है, ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है, जो दिखने में लाल है लेकिन कलर छोड़ता है पीला, दैट इज द फर्स्ट प्योरिटी ऑफ सैफ्रॉन। क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं, घास को रेड कलर देते हैं, घास तो ग्रीन होता है, उसके ऊपर अगर हम रेड कलर चढ़ाएंगे तो वापस कौन सा कलर आएगा, जाहिर सी बात रेड कलर ही वापस आएगा क्योंकि वो चढ़ाया हुआ कलर है। अगर हमने भी इसके ऊपर रेड कलर चढ़ाया हुआ होता, शायद घास के ऊपर कलर चढ़ाया अगर हमने, तो इसने रेड कलर वापस देना शुरू किया होता, लेकिन ये पीला कलर छोड़ रहा है, दैट इज द प्योरिटी ऑफ सैफ्रॉन। और दूसरी बात, गीला करने के बाद दूसरी पहचान क्या है, मतलब किसी भी चीज़ में आप इसको गीला कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जुबान पे डाल के आप गीला कर सकते हैं, पानी में डालने से आप गीला कर सकते हैं। एक सिंपल का एक वाइट पेपर है, इसके ऊपर हम इसको रब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी इसको हम रब करेंगे, जितना हो सके ऊपर का कलर जो इसका नहीं हटेगा क्योंकि ये नेचुरल कलर है। सी एक मिनट, ये देख लीजिए आप सर, फोन थोड़ा आगे लेंगे, ये देखिए हम घसीट रहे हैं लेकिन ऊपर का कलर जो है वो रेड केसर, वो रेड ही है, मतलब वो उतरता नहीं है क्योंकि वो नेचुरल कलर है, दैट इज द प्योरिटी ऑफ सैफ्रॉन। लेकिन कलर कौन सा रहा है, दैट इज गॉड गिफ्ट, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। केसर जो है चबाने में हल्का सा बिटर लगना चाहिए, कड़वा लगना चाहिए, अगर मीठा लगेगा तो वो केमिकलाइज होता है, केमिकल की वजह से वो मीठा बनता है, ठीक है। और सबसे लास्ट पहचान, सैफ्रॉन इज एन एरोमेटिक, इसकी जो स्मेल अगर आप करेंगे दुनिया में किसी परफ्यूम के साथ नहीं मिलती है, स्मेल इसकी स्मेल जो होती है बहुत अलग होती है, यूनिक होती है। फॉर एग्जाम्पल आधे लोग क्या करते हैं, घास को रेड कलर चढ़ाते हैं, उसके बाद स्प्रे डालते हैं, स्प्रे दूर से पता चलता है कि ये कुछ सेंट की जैसी स्मेल आती है, बट रियल केसर जो होती है इसकी अलग यूनिक स्मेल होती है। तो आप रही इसकी रेट जो है वो 2 लाख रुपीज पर केजी है, मतलब 2 लाख रुपीज पर केजी, 200 रुपीज पर ग्राम।